क्या होते हैं और सेल्स की स्पेशली बेटे ग्रुपिंग के बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय द ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स बेटा। अगर आप एक सिंगल सेल की बात करो, ये आपके पास बेटे आपका सिंपल सेल है और आपने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इमेजिन कर लीजिए स्मॉल आर कहा हुआ है, ईएमएफ इसकी कैपिटल ई के बराबर है और आपने इस केस में एक एक्सटर्नल रेजिस्टर आर जो है ये इसके साथ अटैच कर रखा है, बट द की हैज बिन केप्ट ओपन, की आपने क्लोज नहीं की हुई है। जब तक आप की को इंसर्ट नहीं करते, क्लोज नहीं करते हो, देन व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपका सर्किट जो है ओपन सर्किट रहेगा और आपके सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा देन बेटे आपका जो ईएमएफ ऑफ द सेल है ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर ही रहेगा। लेकिन द मोमेंट वी इंसर्ट द की ओवर हियर, एक इलेक्ट्रिक करंट आई आपका फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटा आपका जो नेट वैल्यू ऑफ द ईएमएफ है ये वाला, इट इज इक्वल टू आई इनटू आर प्लस स्मॉल आर बीइंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर सेल बेटा। एंड इट्स वेल नोन टू यू दैट बी इज इक्वल टू आई इनटू आर आपका ऑलरेडी है ही है। तो आप बेटे इस केस में अगर बात करोगे, इसके साथ आई भी आना चाहिए आपका इंटरनल रेजिस्टेंस से सेल का, आई सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई इन टू आर बेटे हो जाएगा। और बड़े ध्यान से देखिएगा, ई माइनस वी इज इक्वल टू आई इन टू आर के बराबर आपका है। अब बच्चों अगर आपका जो सर्किट है ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मीनिंग है कि आपके सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज आपने की को ओपन रखा हुआ है, इट विल मीन दैट आई आपका जीरो हो गया। उस केस में आपका ईएमएफ ऑफ द सेल जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रहेगा। लेकिन द मोमेंट आपका सर्किट आपने एनक्लोज कर दिया बाई इंसर्टिंग द की के, आपका जो देखिए ये डिफरेंस आ रहा है अब यहाँ पे, अब ये तो नॉन जीरो हो गया, इट विल मीन दैट कि आपका जो अगर मैं यहाँ से वी निकाल ही लेता हूँ आपको अदरवाइज शो कर देता हूँ, आपका वी आ जाएगा ई माइनस आई इंटू आर के बराबर, ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब आई तो आपका जीरो है नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस नॉन जीरो चीज को ई से माइनस कर रहे हो और आपका जो वी है इट विल ऑब्वियसली बी लेस देन बेटा ई। तो जब आपका सर्किट ओपन सर्किट होगा ईएमएफ ऑफ द सेल जो है ये ज्यादा होती है, पोटेंशियल ड्रॉप आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये आपका कुछ बेसिक आइडिया है आपके सेल के स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड बेटा। मैं ब्रीफली रिपीट करूंगा, सेल दिया गया है आपको, एक एक्सटर्नल रजिस्टर दिया गया है, एक की दी गई है। पहली बार हमने की इंसर्ट नहीं की, सर्किट इज ओपन और जब सर्किट ओपन है आपका ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ही है। लेकिन जब आपने की इंसर्ट कर दी, आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो गया है और आपका ई इज इक्वल टू आई इन टू आर प्लस आई इन टू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, ओम्स लॉ हमें ये कहता है, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया और मैंने ई माइनस बी कैलकुलेट कर लिया, ओपन और क्लोज सर्किट के लिए मेरे पास ऑटोमेटिकली अगर आपका सर्किट ओपन है ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाता है, अदरवाइज इट इज लेस देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल एज सच। क्लियर बेटे? अब ये बेसिक चीज यूज करके हम बेटे हमारे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ग्रुपिंग हैं सेल्स की, इनके बारे में काफी डिटेल में बच्चों बात कर सकते हैं। आइए देखें सेल्स की ग्रुपिंग बेटे कैसे की जा सकती है। सबसे पहले हम बेटे बात किया करते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स बेटा।
सीरीज ग्रुपिंग में आपके पास नंबर ऑफ सेल्स आपको दिए गए हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं ये, रादर फर्स्ट सेल हुआ ये, एंड दिस इज द सेकंड सेल, एंड दिस इज द थर्ड सेल, एंड हियर इट इज द फोर्थ सेल, एंड सो ऑन, एंड लेट इट बी द nth सेल, और आपने इन सेल्स को ज्वाइन कर रखा है। एक आपका जो सेल है इसका बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम मान लें स्मॉल r है, EMF E है, और आपने इनको सबको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R जो है इसके अक्रॉस अटैच कर रखा है कुछ इस तरीके से, इन दिस मैनर। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे की लगाकर इंसर्ट कर देते हो आपका इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस तरीके से सर्किट में फ्लो होने लगेगा। बिकॉज सेल्स आर आइडेंटिकल, एक सेल का रेजिस्टेंस R है, आपने n नंबर ऑफ सेल्स लगा रखे हैं एंड टू एंड, सो आपका बेटे जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका, इट विल बी इक्वल टू R प्लस R, बिकॉज सीरीज में हम ऐसे ऐड कर देंगे ना, इट विल बी R प्लस R सो ऑन n टाइम्स बेटे आपके पास आ जाएगा, सो इट विल बी n इनटू R बेटा। यस बेटे, देन एक सेल का ईएमएफ जो है वो E के बराबर है, n आपके पास सेल्स हैं, तो आपके पास बेटे नेट ईएमएफ जो है ये आपके पास आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपके पास बन गया n इंटू ई के बराबर। राइट बेटे, अब बेटे आप जानते हो कि आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया है, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड वन बेटे आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इट विल बी एन आर प्लस कैपिटल R हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। और पुत्र करंट कितना होगा फिर आप बताओगे बेटे, करंट सर्किट में कितना होगा, अब ये वाला करंट आई, और शुड आई मार्क और राइट इट बेटा? हाँ जी, आई इज वी बाई आर, लेकिन वी कितना है आर कितना यही पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, आई आपका जो है n सेल्स हैं, इट विल बी n इनटू ई, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नहीं ये भी है ना साथ में, ठीक है जी, सो इट विल बी n इनटू r प्लस कैपिटल R, ये बेटे आपके पास करंट बन गया। एक बात याद रखिए, जब जब आपको ज्यादा ईएमएफ की जरूरत हो, यू नीड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ एट दोज प्लेसेस यू कनेक्ट द सेल्स इन सीरीज बेटा। मैं रिपीट करूंगा, हमें करंट मैक्सिमम नहीं चाहिए, पावर भी नहीं चाहिए, हमें ईएमएफ मैक्सिमम चाहिए, तब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे स्पेशल केसेस आपके ऑब्वियसली बन जाएंगे, अगर आपका कैपिटल R बड़ा छोटा है आप इसको निगलेक्ट कर दोगे, अगर ये बड़ा छोटा है तो इसको निगलेक्ट कर दोगे और इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लोगे। राइट बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये बात जरूर याद रखिएगा कि सीरीज में तब लगाते हैं जब आपको मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए सर्किट में, तब आप अपने सेल्स को सीरीज में लगा दीजिए। राइट, शुड आई स्विच ओवर टू द सेकंड टाइप बेटा ग्रुपिंग की? ओके, सेकंड में हम बेटा पैरेलल ग्रुपिंग की बात किया करते हैं, आइए जरा पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में भी ब्रीफली बात करके देखिए बेटा, पैरेलल ग्रुपिंग कैसा है और हम कैसे इसको देख सकते हैं। बेटा आपके पास एक सेल है यहाँ पे और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं अब साथ ही बना देता हूँ बेटे, ऐसे है, देन मेरे पास एक और सेल है, आइडेंटिकल सेल्स हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने फिर से साथ ही बना दिया, देन अगेन एक और सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने साथ ही प्लॉट कर दिया, और ऐसे करते करते आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं और आपने इनको ऐसे मैनेज कर रखा है, अटैच कर रखा है,
इनका एक एक एंड बेटे रिस्पेक्टिव जो है वो फिक्स कर दिया। ऐसी ग्रुपिंग को आप पैरेलल ग्रुपिंग कहते हो। ईएमएफ हर एक सेल की कैपिटल ई के बराबर। आपने इन सारे सेल्स को एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर के अक्रॉस अटैच किया। दिस इज कैपिटल आर, आपने इसके अक्रॉस इनको लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक करंट आपका सर्किट में अगर फ्लो होगा तो ऐसे होगा बेटा, एक सेल का रेजिस्टेंस आपका आर के बराबर है, आपने एन सेल्स जो हैं इनको बच्चों पैरेलल में अटैच कर रखा है। और थोड़ा सा फोकस करिएगा, अगर मैं बेटी इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहूं, आई विल राइट दैट 1/R इफेक्टिव जो है इट विल बी 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस सो ऑन एन टाइम्स आ गया जी बेटे, राइट। एक का आर है, दूसरे का भी आर है, एन का अगर आप करोगे तो 1/R को आपने एन टाइम्स ऐड कर लिया। देन बेटे व्हाट वी विल बी गेटिंग, 1/R इफेक्टिव जो है आपका दिस इज इक्वल टू एन अपॉन आर आ गया बेटा। चेक करिएगा, आर आप एलसीएम ले लो, 1+1+1 एन टाइम्स अपने आप ही एन अपॉन आर आ गया, राइट और रॉन्ग। ओके, देन आर इफेक्टिव डियर चिल्ड्रन आपके पास बन गया स्मॉल आर अपॉन एन आ गया जी, ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपने इनके साथ ही एक एक्सटर्नल रेजिस्टर भी कनेक्ट कर रखा है, सो आपका जो आर इफेक्टिव है इट विल बी इक्वल टू बेटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन बेटा। आप इनको थोड़ा सा एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, एन इंटू आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन कर लिया हम इसको बेटा, जरा चेक करिएगा, ऐसा ही है बेटे। आर इफेक्टिव आप इनको ऐड करना चाहते हो, एलसीएम आपने निकाल लिया, एन आर प्लस आर अपॉन आर बन गया बच्चों, चेक करिएगा बेटे ऐसा है। और आपका जो सर्किट में करंट आई है, अब देखिए बिकॉज आपने सेल्स को पैरेलल में लगा रखा है और पैरेलल में बेटे आपका ईएमएफ आइडेंटिकल सेल्स हैं, ई रह जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू बेटे ई डिवाइडेड बाई एन इंटू आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन बेटा। एन आपका न्यूमरेटर में एडजस्ट करोगे जब आप, इट विल बी इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइडेड बाई एन इंटू आर प्लस स्मॉल आर, ये इसके बराबर आपका बेटा इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में आ जाएगा। पहले आपका यहां पे वहां पे आर यहां पे स्मॉल था, दैट वाज एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर था, यहां पे हाँ ये कर दिया हमने, यहां पे क्यों आएगा, यहां पे तो आपका एक ही सेल है और सारे सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है ना बेटा, यहां पे एन ही नहीं आएगा, यही फर्क है दोनों में अरेंजमेंट्स में। तो मैं आपको यही बात बताने जा रहा था बेटा, अगर आपको अपने सर्किट में करंट मैक्सिमम चाहिए तो यहां देखिए आपका करंट जो है ये n इंटू ई टाइम्स एन आर प्लस आर के बराबर आ रहा है, और आप इनको अगर इग्नोर कर दोगे, आपका स्मॉल आर छोटा हो गया अगर तो ये इग्नोर हो जाएगा, और अगर ये छोटा हो गया तो आपका ये इग्नोर हो जाएगा, आप कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ करंट निकाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जब आप किसी भी सर्किट में ये चाहते हो कि आपका करंट मैक्सिमम फ्लो करे, आप अपने सारे के सारे सेल्स को बेटा पैरेलल में अटैच करते हैं, बिकॉज पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाया करता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपका इंटरनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, कम हो गई है उसकी वैल्यू, एंड अकॉर्डिंगली हम इसको बेटा समझ सकते हैं, राइट बेटे। बेटा क्लियर है कि कोई है बात करने वाली और बेटा डियर चिल्ड्रन, चलें आगे देन।
इसके बाद बेटे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा हमारा सेल्स की ग्रुपिंग में, दैट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। बेटे आइए जरा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स को समझ के देखें और इसके बारे में बात करें। बेटा मिक्स्ड ग्रुपिंग, मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, हमने सीरीज ग्रुपिंग की थी। अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए, पैरेलल ग्रुपिंग हमने तब की है अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए। अब आइए देखें मिक्स ग्रुपिंग करके हमें कौन सी चीज मैक्सिमम मिलती है। आपने ये एक सेल है एंड लेट इट बी द सेकंड सेल एंड लेट इट बी द थर्ड सेल एंड लेट इट बी द फोर्थ सेल एंड लेट इट बी द nth सेल। n सेल्स आपने लगा दिए सीरीज में एक रो में। इसका ईएमएफ ई, इसका भी ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका भी आर, n सेल्स आपने लगाई हैं। और इसके बाद ये आपके पास एक और रो है और दिस इज देयर, ये चीज आ गई बेटा, ये थर्ड रो बन गया आपके पास। देन इसी तरीके से और ये आपके पास एम रोज आपने लगा रखी हैं इस तरीके से। These are M rows in total. एक रो में M cells हैं बेटा आपके पास, number of rows आपके पास हैं M rows आपने लगा रखी है, और आपने इनके सबके क्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R जो है ये अटैच कर रखा है कुछ इस तरीके से। दिस इज योर कैपिटल R बेटे, अगर करंट फ्लो करेगा तो ऐसे करेगा इसमें से, राइट। एक रो की अगर बात करें, इस रो में आपका ई एम एफ एन इन टू ई के बराबर है। अब ऐसी ही सारी रोज रिपीट हो रही है बेटा, इट विल मीन दैट कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ई एम एफ जो है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ई एम एफ जो है, दिस इज एन इन टू ई है। आपके पूरे कॉम्बिनेशन के ई एम एफ की बात कर रहा हूं मैं। और बेटे एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा जरा देख के बताओगे आप? एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, अगर एक का आर है, एन सेल्स आपने लगा रखे हैं, देन व्हाट विल बी द एन इनटू आर। बहुत बढ़िया बेटा, तो एक रो है आपका, इसका आ गया एन इनटू आर। अब रोज कितनी है? एम। तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब आप निकालोगे, 1/r इफेक्टिव आपके पास आएगा 1/nr, 1/nr, so on, m times आ गया। So 1/r इफेक्टिव आपके पास आ गया जी m अपॉन n इंटू आर। हमें तो ये r इफेक्टिव चाहिए था बेटा, इट विल बी n इंटू आर अपॉन m हो गया बेटा, जरा चेक करिएगा, है ना, यही बना। और आपका जो करंट आई है सर्किट में, इट विल बी इक्वल टू नेट वैल्यू ऑफ ई एम एफ एन इन टू ई है, नेट रेजिस्टेंस है कैपिटल आर प्लस एन इन टू आर अपॉन स्मॉल एम। आई दिस इज इक्वल टू एम इन टू ई अपॉन आर, इसको एम से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस एन इन टू आर, ये चीज आ गई बेटा, इट इज देयर। अब हम चाहते हैं कि हमारा करंट मैक्सिमम हो जाए, सो वी कैन से दैट बेटे फॉर आई टू बी मैक्सिमम, आपका जो डिनोमिनेटर है एम इंटू आर प्लस एन इंटू आर, इसको मिनिमम होना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तभी आपका आई मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर पाएगा। आइए थोड़ी बात करूं और आपके इस कंसेप्ट के साथ रिलेटेड, वी विल बी हैविंग दैट, लेट अस सी
what we can do over here now. बेटे आप इस एम आर प्लस एन आर को जरा ध्यान दीजिएगा, रूट एम आर माइनस रूट एन आर इसका स्क्वायर प्लस टू एम आर इंटू एन आर लिख सकते हो, जरा चेक करके बताइएगा. इसको जब आप ओपन करोगे ये आ गया एम आर प्लस एन आर माइनस टू एम आर एन आर रूट, वो इस प्लस के साथ कैंसल आउट हो गया, खत्म हो गया. ठीक. सो डियर चिल्ड्रन आई मेरे पास आ गया अब एन इंटू एम इंटू ई डिवाइडेड बाई रूट एम आर माइनस रूट एन आर इसका स्क्वायर प्लस टू रूट एम आर कैपिटल में एन आर स्मॉल में. अब ये आपका आई मैक्सिमम तब होगा अगर ये मिनिमम होगा. ये मिनिमम कब होगा? जब ये कितना हो जाए, ना 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 जीरो. इसकी कम से कम वैल्यू जीरो हो सकती है ना, अदरवाइज तो ये पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज इट इज द स्क्वायर टर्म बेटा. सो आपका एम आर रूट माइनस एन आर रूट अगर जीरो के बराबर हो जाता है तो आपका करंट जो है इट विल बिकम मैक्सिमम. ये इसके बराबर आ गया, एम इंटू आर इज इक्वल टू एन इंटू आर. दिस इज द कंडीशन फॉर द करंट टू बी मैक्सिमम. रिपीट करूंगा बात में एक बार फिर से, ध्यान से सुनिएगा. हमने सीरीज ग्रुपिंग इसलिए की थी कि हमें ईएमएफ मैक्सिमम चाहिए था, पैरेलल ग्रुपिंग इसलिए की कि हमें करंट मैक्सिमम चाहिए था. अगर आपको पावर मैक्सिमम चाहिए देन आप पैरेलल ग्रुपिंग और सीरीज ग्रुपिंग छोड़ के मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर और रिक्वायर्ड मैनर आप कर सकते हो बेटा डियर चिल्ड्रन. सो ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दैट वेन एवर वी आर ऑप्टिंग फॉर द सीरीज ग्रुपिंग वी माइट बी रिक्वायरिंग मैक्सिमम और द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ ई एम एफ इन द सर्किट, एंड वेन वी आर ऑप्टिंग फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन वी माइट बी रिक्वायरिंग मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट, एंड वेन वी आर ऑप्टिंग दिस मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स देन वी माइट बी रिक्वायरिंग द पावर इन द सर्किट टू बी हैविंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू. बेटा एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सबके लिए बेटा लिखिएगा पुत्र. टू आइडेंटिकल सेल्स, बेटे लिख लो आप भी पुत्र. टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर गिव सेम करंट. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये कैलकुलेट करके देख लीजिए इनको भी कितने कितने आते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, दो आइडेंटिकल सेल्स हैं आपके पास, आप चाहे इनको सीरीज में लगा दो चाहे पैरेलल में लगा दो, विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका करंट सेम आता है. तो व्हाट यू कैन से अबाउट दीज टू रेजिस्टर्स, आई मीन टू से दैट एक आपका सेल ये है राइट बेटा विद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक सेल ये है विद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसको आपने इस एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया ऐसे. सेकंड टाइप में आपके पास एक सेल ये है और आपके पास ये एक और सेल है इंटरनल रेजिस्टेंस का, आपने इनको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के क्रॉस अटैच किया ई एम एफ ई
दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस आर दोनों का, राइट बेटा? तो आई मीन टू से दैट कि दोनों केसेस में करंट आपका आई है, व्हाट कैन बी डन और व्हाट शुड बी डन? यस, इश्पुनीत, लक्ष्य, मानवीय, रोहन, वंशिका। हाँ जी सर। हाँ जी बेटे, हाउ वी कैन सॉल्व आवर दिस प्रॉब्लम बेटा? सर पहले तो इक्विवेलेंट ई फाइंड कर लो ना। और सर आर फाइंड कर लो। आर कौन सा बेटे कह रहे हो, बड़े वाला छोटे वाला? सर छोटे वाला। हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट बेटा? सर वो आर प्लस आर हो जाएगा, सीरीज में लगे हुए हैं। हो गया देन। तो सर उसके बाद फिर ओम्स लॉ लगा देंगे। ठीक कह रहे हो आप बेटे, आप ऐसे कर लीजिए, पहले आप दोनों केसेस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लीजिए कि कितना है दोनों का टोटल, फिर दोनों का करंट निकाल लो, इसका भी और इसका भी, उन करंट्स को सिंपली इक्वेट कर दो, वी विल बी गेटिंग समथिंग। जरा चेक करिएगा, एक मिनट लगाइएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। पहले आप पहले स्टेप में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालिए टोटल, और फिर आप दोनों सर्किट्स का करंट निकाल लीजिए, उन दोनों करंट्स को सिंपली इक्वेट कर दीजिए, यू विल गेट इट। सर हाँ जी, मैंने पूछना था सर, कल प्रैक्टिकल है फिर हमारा? हाँ जी कल बेटे 1-24 रोल नंबर्स का कल है, सैटरडे को 25 ऑनवर्ड्स है, राइट बेटा? हाँ जी सर, थैंक यू सर। कल दो प्रैक्टिकल्स कर लेंगे। हाँ जी, एंड सर टाइमिंग वही पुराने वाले ही हैं? टाइम बेटे वही रहेगा, नहीं तो फिर आपकी क्लासेस अफेक्ट होती है ना बेटा। हाँ जी, हाँ जी, यस सर। आप अपना क्लास लगा कर आ जाओगे, देन वी विल बिगिन द प्रैक्टिकल, राइट बेटा? हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, गेटिंग बेटा दिस और नॉट? इसमें देखिए आपका इस कॉन्फ़िगरेशन में आपका जो बेटा ईएमएफ है, नेट वैल्यू जो है, दिस इज इक्वल टू 2E आ गया, और आपका आर इफेक्टिव बेटा कितना बन गया, 2R+R बन गया ना, R+R 2R है ना, और आपका आई कितना बन गया डियर चिल्ड्रन, 2E/2R+R बन गया, राइट? अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाइए, इसमें आपका सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में आर इफेक्टिव जो है ये R/2 आता है कि नहीं, जरा चेक करिएगा, पैरेलल में लगे हुए हैं बेटे। वन ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो बेटे, अगर आपको दिक्कत आती है ऐसे कर लिया, दिस इज 2/R, उल्टा कर दो, R/2 आ गया। इसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। हाँ जी, नहीं पैरेलल तो चलो है ही है, नहीं ये दो पैरेलल में, एक्सटर्नल तो इनके साथ सीरीज में ही है बेटा। सो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इट विल बी R/2 + R हो जाएगा, यही होगा, नहीं ये पैरेलल में किए हमने बेटे। आप इन दोनों को उड़ा दो, इनको खत्म कर दो, इनकी जगह पर एक सेल ले लो जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी है, नेट ईएमएफ ही है, तो सीरीज ही हुआ, वो यही चीज बन गई, बाहर वाला इनके साथ पैरेलल में नहीं है, राइट? कॉम्बिनेशन के साथ कह रहा हूं मैं। और ईएमएफ की इफेक्टिव वैल्यू जो है ये आपके पास आ गई बेटा, ई रह गई है, तो आई कितना बन गया आपका अब इस केस में, EMF/R/2 + R, एंड इट इज EMF/E/R+2R/2 बेटा, एंड इट विल बी 2E/R+2R आ गया बेटा, ये चीज आ गई। इनको जरा इक्वेट करके देखिएगा क्या रिजल्ट आ रहा है आपका, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर आई थिंक आ जाएगा। चलिए एक स्टेप कर ही लेते हैं, और बेटे जो रह गया है आपका, हाँ जी क्या नहीं आएगा बेटा, वो आपको एग्जाम में कह देंगे कि दो सेल्स हैं,
उनको आपने आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, करंट सेम है, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल रजिस्टर, एक में वो बराबर लिखेंगे, एक में कुछ लिखेंगे, एक में कुछ, एक में कुछ, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, यू कांट स्किप दैट, नहीं बच सकते, राइट? ये मत सोचिए, ये मत सोचिए कि आप न्यूमेरिकल आपको जो है वो नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बेटा, वी आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल रादर, इनमें तो आपकी ज्यादा बढ़ जाती है एक्यूरेसी रादर। सो आइए देखें, दिस इज बिटे 2 into e upon 2 r plus capital R and it is equal to 2 into e upon small r plus 2 r it is getting cancelled 2 r plus r is r plus 2 r, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, राइट बेटा? सो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा बेटे, थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड, बाकी फिर कल बात करते हैं, राइट?